वो भी हमारी है, समझ में नहीं आ रही। हट हट, वेन वी आर इन सिटीज पार्टी के नाम पे हमें याद आता है क्लबिंग आउटिंग्स एंड ऑल, लेकिन जब आप भानपुरा में होते हो तो अगर आप किसी को कहोगे कि चलो पार्टी में चलते हैं तो उसका एक होल डिफरेंट मीनिंग होता है। उसका मतलब होता है एडवेंचर, दाल वाफले, झरने, तालाब, कुंड, वॉट नॉट। सो आज काफ़ी टाइम बाद हमारी पूरी फैमिली जा रही है एक बहुत अच्छी आउटिंग पे, सबके सब एक साथ बहुत टाइम बाद, और आज सबके सब रेडी हैं पार्टी के लिए। हाय पीपल, टुडे वी आर गोइंग टू चतुर्भुज नाथ एंड इट इज गोइंग टू बी हेल ऑफ अ जर्नी एंड आई थिंक यू विल रियली गोना एंजॉय दिस व्लॉग। यू आर यू एक्साइटेड? ये क्रीवू, हेलो लक्की, आर यू एक्साइटेड? Yes, I'm really excited. Hey guys! Hello. So finally, we have reached our destination. ये टायर की ट्यूब है क्योंकि यहाँ का बहुत कॉमन ट्रेंड है, टायर की ट्यूब लेके जाओ, जहाँ पे तैरना नहीं आता उसमें घुस जाओ, कूद जाओ। Right now we are 5 kilometers inside गांज सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि फेमस है लेपर्ड्स के लिए, इंडियन लेपर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सब अंदर से खाना बनाने का सामान निकाला जा रहा है। तो बोलना कि तू कैसे आया है, कि खाना कैसे बनेगा। तेरा एग्जाम था, एग्जाम बंक करके आया तू। भाई बहन कॉलेज वाले वीडियो देखे ना, ब्लॉक कर देंगे मुझे। मोबाइल वोबाइल सब छोड़ गाड़ी के अंदर। दिस इज द व्यू। एक्चुअली कल रक्षाबंधन था तो आज काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, बट जो नाला है चतुर्भुज नाथ नाला वो बहुत तेज़ चल रहा है। चतुर्भुज नाला इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस इन गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसकी हिस्ट्री देखो या फिर उसकी ब्यूटी देखो, जब आप ऐसे जंगल बिहड़ों में घूमने के लिए निकलते हैं तो इट्स लाइक हमेशा आपकी गाड़ी अंदर नहीं जा पाएगी। सो चतुर्भुज नाथ नाला इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेज जहाँ पे आगे तक आपका फोर व्हीलर जा सकता है, सो इट्स वाइडली पॉपुलर बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। सारी कार्स बिल्कुल नाले तक आ जाती है। सो इस टाइम पे मेजरली मानसून टाइम पे राजस्थान की पब्लिक भाई साहब इतनी आती है कि पूरा भानपुरा में राजस्थान की गाड़ियाँ दिखती है, RG20। तो अगर मैं अभी यहाँ पे भी आपको गाड़ियाँ दिखाई तो मेजरली राजस्थान की ही निकलेगी। तो इसलिए वीकेंड्स एंड ऑल पे तो MP वाले तो निकलते ही नहीं, स्पेशली भानपुरा वाले तो कहीं जाने ही पसंद नहीं करते क्योंकि उन्होंने वो एटमोस्ट ब्यूटी देख रखी होती है जो कि इस टाइम पे नहीं दिख पाती है। तो कल रक्षाबंधन था तो आज हमें आना पड़ा। काफ़ी सही भीड़ है, मतलब अप्रॉक्स 100 cars इज नॉर्मल काउंट। हर जगह का पानी प्योर नहीं होता, स्पेशली अगर नाले में अगर आप बैठ के लोग बाग नहा रहे हैं तो उसके अंदर का पानी आप नहीं पी पाओगे, तो इसलिए हम लेके आए हैं अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम अ हिडन स्ट्रीम। सो
सो सामने झरना चल रहा है, नाला चल रहा है अच्छा खासा, एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय फैमिली। और ये है डॉक्टर लेखा सोनी। हेलो, यू कैन फॉलो मी ऑन आयु लेखा पेज, ओके? इसका इंस्टाग्राम पे पेज है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव पेज है। देन अभी सब बैठे हुए, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद खाना बनाने का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ होगा। और मैं ये प्योर वाटर लेके आया ही हूँ एक मंदिर की लेफ्ट वाली साइड वाली स्ट्रीम से। ताऊ जी, जीजू, अश्विन जीजू, रूपल, हेलो मामा, बबली दी, बुआ जी, हाय, क्या हो गया, हैप्पी, क्या हुआ? फीलिंग सैड, हैप्पी इज फीलिंग सैड। अभी बस ऐसे ही चिलिंग टाइम चल रहा है। थोड़ी देर बाद जो खाना बनाने वाले हैं वो खाना बनाते हुए दिखेगा, और हम बच्चा पार्टी दिखेगी अंदर पानी में। काफी ज्यादा भीड़ है। लास्ट टाइम जब मेरी बर्थडे पार्टी थी वो यही हुई थी, तब लिटरली कोई भी नहीं था, एक जना भी नहीं था। अंकल क्या बना रहे हो आप? बाफले। बाफले बन रहे हो? आज में क्या क्या बन रहा है फिर? आज बाफले, चावल, दाल बाफले, लड्डू चूरमा। दाल बाफले लड्डू चूरमा है मतलब आज का मेन्यू ऐसा? एक नंबर भैया, आटा उसन रहे अभी अंकल जी, और भी बनेंगे टेस्टी टेस्टी वाफले। लेकिन वो काम है बड़ों का, और हम जा रहे हैं पानी में नहाने के लिए। क्या बना रही है लक्की दी तू? हाय, मैं भेलपुरी बना रही हूँ, उसके लिए मैं प्याज काट रही हूँ। वाओ, डॉक्टर साहिबा प्याज काट रही है, प्याज प्याज काटे जा रहे हैं, प्याज जी आई, चले फिर घंटा लगाने। चलो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहा हूँ, ग्रीन कलर की अलगाए जहाँ है वहाँ पैर रखने की भूल भी मत करना। इधर आओ, इधर ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये भले आपको दिख रहा है कि ये सही है, लेकिन इसमें जो फिसलन है मजा। जाओ जाओ, कैमरा है, फट जाएगी अभी दो मिनट में। लेट जाओ, फिसल जाओ, जाओ जाओ जाओ, बाय। हेलो पीपल, दिस इज आवर लाइफ एट भानपुरा, वी लव भानपुरा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इनर भानपुरा। ये है भानपुरा के वीकेंड्स में मजे, और स्पेशली सावन में। सारी गुड़िया कैन यू बिलीव,
5 किलोमीटर लंबी चट्टान पे 2 लाख से 5 लाख साल पुरानी रॉक पेंटिंग। इट फील्स अनबिलीवेबल, पर भानपुरा है सो मच टू ऑफर। यहीं से अगर ये जो वाटर स्ट्रीम बह रही है, चतुर्भुजनाथ नाला जो रॉक स्ट्रीम बह रही है, वाटर स्ट्रीम, इससे ही अगर आप साइड साइड में इसके साथ ही चलते जाओगे, तब जाके आपको आगे 2.5 किलोमीटर अप्रॉक्स 2.5 किलोमीटर आगे आपको मिलेगी चतुर्भुजनाथ नाला रॉक पेंटिंग। मैं अभी तक गया नहीं हूँ क्योंकि मुझे कोई साथ अभी मिला नहीं है। अगर मैं गया तो श्योरली आज मैं कोई ब्लॉग, बट स्टिल हाउ ब्यूटीफुल चतुर्भुजनाथ नाला, अनबिलीवेबल, रियल पीस, सुकून। अगर सुकून तलाशना है तो आप आइए भानपुरा, हम दिखाते हैं आपको जन्नत। वो सामने पेड़ के नीचे बन रहे हैं अपने दाल बाफले, पूरी फैमिली दाल बाफले बना रही है। आई डोंट नो, आफ्टर लॉन्ग टाइम गेट टुगेदर हुई है पूरी फैमिली की, और मस्त आप आओ वीकेंड्स को। और दिस इज द रीजन आई हेट पीपल, मतलब ठीक है ये तो फिर भी बॉटल मतलब फूटी हुई नहीं है, लोग दारू पी रहे हैं उन्हें कोई मना नहीं कर रहा है, मना मत करो पियो तुम्हारी खुशी है, लेकिन बॉटल फोड़ो तो मत यार। लास्ट टाइम में चतुर्भुजनाथ नाला आया था साला, इतना बड़ा कांच डायरेक्ट पेड़ के अंदर, इतनी डांट पड़ी बिना चप्पल की गया। अरे बॉटल फोड़नी क्यों है लोगों को, क्यों फोड़ रहे हो बॉटल, अड़ रहा है क्या बॉटल फोड़ना, पियो रख के चल जाओ ना यार, मत फोड़ा करो भाई, देख रहे हो तो कटवट लग जाते हैं शरीफ लोगों के। लेट्स गो बैक टू बेस कैंप, खाने वाने की प्रोग्रेस देखते हैं। लेट्स टेक अपडेट ऑन आवर फूड। पापा ये क्या है, ये बाफले सेकने का जगरा, इस पे सीखेंगे बाफले फुल राजस्थानी स्टाइल। इसको पहले पूरा जलाएंगे, फिर ये अंगारे बन जाएंगे, अंगारे के ऊपर रखेंगे बाफले, और पिताजी फुल कंसंट्रेशन से बाफले बना रहे हैं। और हमारे बाफले कहाँ गए, बाफले हमारे ये है हमारे बाफले, इनको पहले उबाल लिया गया है, इस पर बनेगी दाल, उधर पड़े हैं और बाफले, एक्चुअली वो शायद फिशेस के लिए है। अरे वो गई थ्री फ्री बॉल। इट्स बिन 3 आवर्स, 3 घंटे से हम धनाधन नहा रहे हैं, बाप रे पूरी एनर्जी जीरो हो चुकी है। हाँ एंड लेट्स सी व्हाट्स द प्रोग्रेस। जो हमारे बाफले थे वो अब वो जो काउडंग केक्स थे उसके ऊपर सिक रहे हैं मस्त, पापा बाफले सेक रहे हैं मस्त बिल्कुल, ये ऐसे उसको बिल्कुल जलाने के बाद जब वो एशेज में कन्वर्ट हो जाते हैं उसके ऊपर बाफले रख देते हैं और फिर मस्त इसको घी में चौपड़ के खाते हैं दाल के साथ। अंकल आप क्या बना रहे हो, दाल बन रही है। क्या बन रही, दाल दाल बन रही है, लहसुन प्याज का छोक लगा के, मतलब लहसुन प्याज नहीं, क्या बात, एक नंबर खुशबू आ रही है अभी से ही, सारी सारी चॉपिंग्स अभी यहाँ पे होके रखी हुई है। बस कितनी देर में रेडी हो जाएगा पापा खाना,
आधा घंटा और लगेगा अभी। खाना बन रहा है मस्त, और चलो आपको दिखाते हैं उधर क्या चल रहा है नाले के अंदर। धनाधन धनाधन डुबकियाँ लगाई जा रही है, ट्यूब में घुस घुस के तैर रहे हैं सबके सब, और ट्यूब के लिए लड़ाई हो रही है, मैं लूँगा। और ये तुषार जी जो अंदर ट्यूब के अंदर मजे ले रहे जिंदगी के, आ रहा हूँ। जीजू मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों? मेरे को तैरना नहीं आता है। अरे रे रे रे, लक्की जी मजा आता है? बहुत ज्यादा मस्ती कर ली, काफी सही। रूपल मजा आ रहा है? कमर पे आ गई तेरी ट्यूब, कमर पे आ गई ये। बोले शंभो, और भाई साहब यहाँ आ गए बंदर खूब सारे, और बंदर देख रहे हैं हमारा खाने को। भाई साहब सामने सोनी जी खाना बना रहे, तो अटैक करें। हेलो अंकल, जय श्री महाकाल। चलो पप्पू भैया, ओ बोले शंभो एक नंबर अन्नो, क्या बात, आय हाय हाय हट ये। चार से पाँच घंटे नहाने के बाद बिल्कुल एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, और अब हम जा रहे हैं चतुर्भुजनाथ टेम्पल, जहाँ है विष्णु भगवान की एक लेटी हुई प्रतिमा, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है एक्चुअली इस एरिया में। वैसे दो ही प्रतिमा है भानपुरा में, एक शीतला माता मंदिर के सामने एक मंदिर है वहाँ पर है, और जो सेकेंड प्रतिमा है वो यहाँ पर है। लेट्स गो टू टेम्पल। जय हो चतुर्भुजनाथ महाराज। यहाँ पे लेडीज भगवान की देखा आपने? जय हो भगवान जी, जय श्री महाकाल बाबा। जय भोलेनाथ। जैसा कि मैं बता रहा था, जो मेरा सेकंड वीडियो था सीता खरड़ी वाला, उस वीडियो में आपने देखा होगा नोटिस था एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नोटिस यहाँ से भी है। और जो रास्ता है रॉक पेंटिंग्स देखने जाने का, वो यहाँ से सीधा स्ट्रीम के साथ चलते जाओ आपको मिल जाएगा, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो डू वॉच इट ऑन माई चैनल। द मॉन्यूमेंट इज प्रोटेक्टेड अंडर ब्ला 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 ब्ला, पूरा का पूरा मैंने उसके अंदर रॉक पेंटिंग्स कवर करा है सीता खरड़ी वाले में, डू वॉच इट। वहाँ पे है मंदिर, उस साइड है पार्किंग, और उधर की साइड अब अपना जो लास्ट काम है चतुर्भुजनाथ नाले के यहाँ पर, वो है खाना खाना। खाना बन चुका है, दाल वाफले लड्डू, लेट्स ईट इट, लेट्स गो। और मंकी हमारी कार पे पार्टी कर रहे हैं। ओए हटना दू, हट। जिया जी कैसा लग रहा है अपनी कार पे बंदर देख के? हट हप हट, वो भी हमारी है, समझ में नहीं आ रही। हट भूतनी के, फाइनली बंदर हटाने में हम सफल हो चुके हैं। लेट्स गो एंड ईट।
कैसा बना बुआजी, कैसा बना? अगर आपसे कोई भानपुरा वासी कहे कि चलो पार्टी करते हैं तो आप गलत ना समझिए। ये है भानपुरा में की जाने वाली पार्टी। आप आओ, लड्डू दाल वाफले बनाओ, नहाओ खाओ। इट्स ऑलमोस्ट इवनिंग, लेकिन अभी भी लोग आ ही नहीं रहे, आए जा रहे हैं, मतलब अभी भी लोग आए जा रहे हैं। दिस वॉज चतुर्भुजनाथ नाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस। डू वॉच सीता खड़ी व्लॉग या फिर आप मिनी गोवा वाला व्लॉग, सारे व्लॉग जरूर देखें। एंड वी आर सेइंग गुड बाय टू दिस अमेजिंग प्लेस। बाय बाय।